उत्तर प्रदेश में महीने भर लगे लॉकडाउन के बाद सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बार फिर सड़कों पर लोगों की चहलकदमी भी देखी गई। वहीं नोएडा की जान कही जाने वाली मेट्रो भी पटरियों पर दौड़ती नजर आई, जिसके चलते लोगों में भी काफी खुशी देखी गई। इस दौरान लोगों ने बताया कि अनलॉक के बाद एक बार फिर से ऑफिस जा रहे हैं, इसके साथ ही कोविड के सभी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अब तो काफी चीजें खुल गई हैं, काफी पहले मुश्किलें हो रही थी। यहाँ पे दुकानें खुली नहीं थी, इलेक्ट्रिकल की दुकानें, तो हम लोग आते थे तो हमें कई बार वापस जाना पड़ता था, लेकिन अब काफी चीजें खुल गई हैं, तो अब लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें अब सही हो जाएंगी। अब तो मेट्रो भी खुल गई है, तो अब आना जाना और आसान हो जाएगा, खासकर जो जॉब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर जिले में अनलॉक होने के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, जिसके बाद नोएडा की सड़कों पर भी एक बार रौनक फिर से लौट आई है। इन सब के बीच लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस भी बेहद सतर्क दिखाई पड़ी। इस दौरान नोएडा पुलिस के एडिशनल DCP रणविजय सिंह ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही एडिशनल DCP द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने का भी अनुरोध किया गया। जिन लोगों द्वारा कोरोना वायरस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उन लोगों को चेतावनी देकर आगे के लिए आगाह कर दिया गया। इसके साथ ही जिन लोगों के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं थे, उन लोगों को एडिशनल DCP द्वारा मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया कराए गए। हमारी सारी टीमें पूरे कमिश्नरेट में हर जगह आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले तो कंप्लायंस के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गुल्ले वगैरह बनवाए गए हैं, सब लोगों के साथ मीटिंग की गई है, सब लोगों को प्रॉपरली ब्रीफ कर दिया गया है। हमारे जितने व्यापार संगठन के लोग हैं सबके साथ लगातार पिछले एक सप्ताह से हम लोग होमवर्क कर रहे थे, क्योंकि अंदेशा था जब अनलॉकडाउन या जो लॉकडाउन में ढील दी जाएगी तो उसका कंप्लायंस हमें उसकी कार्ययोजना बना करके हम लोगों ने पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए होमवर्क भी किया है, और आज उसको हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। हम लोग सड़कों पर हैं, इंश्योर ये कर रहे हैं कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहनने का, इस तरह की बातें सामने ना आए, और उसको हम लोग अगर बाई द वे कहीं दिखता है तो जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जाए। बहरहाल महीनों भर बाद दुकान खुलने के बाद एक बार फिर नोएडा की सड़कों पर रौनक देखने को मिली है। इसके साथ ही लोगों के चेहरे पर भी काफी खुशी लौटी है।